हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न की कचौड़ी। सो फ्रेंड्स, इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ली है स्वीट कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न को हम डाल देंगे मिक्सर जार में। ऐसे इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, ये 2 अदरक के टुकड़े और ये 4-5 लहसुन के फले। हम इसको क्रश ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें हम तेल भी डाल दी हूँ। अभी हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ इसमें डाल देंगे। अच्छे से हो जाने के बाद ये मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया इसमें। इसके बाद देखिए, हमने क्रश करके ग्राइंड किए थे जो पान को, उसे तो हम ऐड कर लेंगे इसमें। इसको हम अच्छे से भूनेंगे पान का। देखिए गाइस, इसका कलर कितना चेंज हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन। हम अच्छी तरह से इसको, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला हो गया है, अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर ठंडे होने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। देखिए गाइस, ये हमने मैदे के बनाए थे, इसको लोई बना ली हूँ। अभी हम इस मसाले को इसमें कोट करेंगे। सो इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा बेलन की सहायता से इस तरह से हम सारे छोटे छोटे को तैयार कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा ऑयल ज़्यादा हीट नहीं है, बोल हमको जैसा चाहिए वैसा ही ऑयल हुआ है हमारा। अभी हम इसमें एक एक थोड़ी को हमने डाल दी है। देखिए गाइस, कैसे ये कचौड़ी फूल पर रेडी हो गया है। देखिए तरह से इसको हम अभी पलट देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम पकाएंगे, तलेंगे इसको। देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कचौड़ी हो चुका है। अभी हम इसको कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेंगे। इसको देख सकते हैं,
तरह से हम सारे कचौड़ी को बना लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा कचौड़ी हो चुका है। देखिए कितना साउंड सुन सकते हैं, बहुत ही क्रंची बना है, मार्केट जैसा बिल्कुल ही मार्केट जैसा है। आप एक बार ये घर पे ज़रूर ट्राई करिए, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।